Good morning, students. So, today in this class we'll revise our chapter first. हम लोग अपना जो first chapter जो है वो इस class में हम उसका revision करेंगे. Okay? So, check out your chapter first on page number 5. And our chapter first is number system and Roman numbers. Okay? अपना chapter first कौन सा है? Number system and Roman numbers. बेटा number system कि हम जैसे नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, जैसे 5 डिजिट नंबर है तो अगर हमें इसका नंबर नेम लिखना होता तो कैसे करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ये क्या हो गया कि 99,999. ये क्या हो गया? इसका नंबर नेम हो गया. ओके, ये क्या हो गया इसका नंबर नेम की हम लोग और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सॉरी राइट साइड से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ओके, अगर 6 डिजिट नंबर है तो लैक, 1 लैक. ओके, अगर 7 डिजिट नंबर है तो 10 लैक. ओके, इस तरीके से हम नंबर्स को और नंबर्स नेम को राइट डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक हुआ हमारा 5 डिजिट नंबर. 6 डिजिट नंबर के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक. ओके, 1 लैक हो गया. फिर बेटा मेन थिंग आती है कि सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है या सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है. बेटा अगर सबसे बड़े नंबर की, भले ही वो 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, तो ऑलवेज 9 को रिपीट किया जाता है कि ये सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है. 6 डिजिट नंबर के लिए सबसे बड़े 6 डिजिट नंबर ये हो जाएगा. ओके, अगर हमें सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर चाहिए तो 1, 1, 2, 3, 4, ये कितना हो गया? 10,000. ओके, कितना हो गया? 10,000. अगर 5 डिजिट चाहिए, 6 डिजिट चाहिए तो 1 लैक. ओके, इसी तरह से इन नंबर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं. ऐसा ही सेम 7 डिजिट नंबर के साथ होता है. सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर होगा 99,999,999. क्या होता है? सबसे बड़ा. एंड अगर सबसे छोटा चाहिए तो 1, फिर 0. ओके, फिर आती है हमारे पास प्लेस वैल्यू. ओके, प्लेस वैल्यू को हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, 1 लाख या 10 लाख के अकॉर्डिंग उसे बता सकते हैं. ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ये होता है हमारा. ओके, जिसमें वंस में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में आता है 1,000, 10,000, लैक्स में आता है 1 लाख या 10 लाख. ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बना सकते हैं. हमारे पास ये नंबर दिया है हमें, कोई भी न्यूमरल हमारे पास दिया हुआ है. ओके, उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कन्वर्ट करना है. प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें राइट डाउन करना है. प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया जाता है? वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड. वंस पीरियड में वंस, टेंस, थाउजेंड, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड पीरियड्स में 1,000, 10,000, लैक्स पीरियड में 1 लैक, 10 लैक. ओके, इसी तरह से हम यहाँ बनाते हैं. फिर जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं उनको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, 10 लैक. ओके, इस तरह से हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं. ओके, इनके नंबर्स नेम लिखने हैं आपको, दैट्स सो इजी. इसी के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप नंबर नेम लिख सकते हो कि 34,389, 6,07,285, 7,32,859, 85,03,728. इसी तरह से हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, फिर आती है हमारे एक्सरसाइज जो कि आपको सॉल्व करनी होगी. ओके, जिसमें कि आपको नंबर्स नेम लिखने हैं, नंबर दिए हुए तो नंबर नेम लिखने हैं, नंबर नेम दिए हुए तो नंबर्स लिखने हैं, एंड आपको ये जो नंबर न्यूमरल्स हैं इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में कन्वर्ट करना है. ओके, फिर आती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. ओके,
प्लेस वैल्यू जो है वो चार्ट पर डिपेंड करती है। प्लेस वैल्यू को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वंस पर जो भी नंबर है इंटू वन, टेंस पर जो नंबर है इंटू टेन, हंड्रेड्स पर जो भी नंबर है इंटू हंड्रेड, थाउजेंड्स पर जो नंबर है इंटू थाउजेंड, टेन थाउजेंड पर जो नंबर है इंटू टेन थाउजेंड। ओके, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थ्री वंस पर है तो थ्री इंटू वन, टेंस पर सेवन इंटू टेन, हंड्रेड्स पर सिक्स इंटू हंड्रेड। ओके, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो होती है हमारी प्लेस वैल्यू। फिर मैटर आता है फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू जो है वो एज इट इज वही नंबर होता है। ओके, जो नंबर जिस नंबर की हम फाइंड आउट कर रहे हैं वही नंबर होता है फेस वैल्यू की। अगर हम फोर की फेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो फोर की फेस वैल्यू फोर होती है, अगर हम थ्री की फेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो थ्री होती है। ओके, फिर भले ही वो नंबर कहीं भी हो हमारे जो न्यूमरल्स में है, कहीं भी डिपेंड हो, उसमें मतलब प्लेस डिपेंड नहीं करता, उसमें ओनली फेस डिपेंड करता है। ओके, एंड प्लेस वैल्यू में वो कौन से प्लेस पर है वो डिपेंड करता है। अब आपको इस नंबर में फोर जो है उनकी प्लेस वैल्यू का सम फाइंड करना है। कैसे करोगे? वंस टेंस, टेंस पर है फोर एक, तो फोर इंटू टेन, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ए कितने पर है टेन थाउजेंड पर, तो फोर इंटू टेन थाउजेंड। ओके, क्या करोगे अब इन दोनों को, फोर टेन सार फोर्टी एंड फोर इंटू टेन थाउजेंड फोर टेन फोर्टी थाउजेंड। ओके, फिर इन दोनों को आप ऐड कर लोगे कि फोर थाउजेंड सॉरी फोर्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी, इनको आप ऐड कर लोगे। ओके, क्या आ गया हमारे पास आंसर, फोर लैख सॉरी फोर्टी थाउजेंड फोर्टी। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों का सम का आंसर आ गया। फिर आता है एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं कि प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करती है। एक्सटेंडेड फॉर्म में इनटू जितने भी आगे नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। ओके, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू राइट डाउन करते हैं और फिर उनके बीच में एडिशन का साइन डाल देते हैं। जैसे फोर कितने प्लेस पर है, वंस टेंस हंड्रेड टेन थाउजेंड सॉरी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो फोर इंटू लैख प्लस फाइव इंटू टेन थाउजेंड प्लस सिक्स इंटू थाउजेंड प्लस टू इंटू हंड्रेड प्लस सेवन सॉरी नाइन इंटू टेन प्लस एट इंटू वन। फिर इनको इंटू करके यहाँ हम एडिशन के थ्रू इनका आंसर लिख सकते हैं। ओके, फिर आता है शॉर्ट फॉर्म। एक्सटेंडेड, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने लिखा है इन सबको हम ऐड करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, क्या है कि इस ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म हमने लिखी है इसको हम ऐड करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि जो भी मतलब फोर्टी फोर लैख है, देन फिफ्टी थाउजेंड, देन सिक्स थाउजेंड, देन टू हंड्रेड, देन नाइन्टी प्लस एट, इन सबको ऐड करते हैं और फिर हमारे पास ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाता है। ये तो होती है शॉर्ट फॉर्म, ये होती है एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, फिर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। ओके, उसके बाद आता है कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कंपैरिजन कैसे किया जाता है? ओके, सबसे पहले हमें डिजिट्स देखनी होती हैं कि जो जितनी ज़्यादा डिजिट मतलब जिस साइड भी ज़्यादा डिजिट है वो नंबर ग्रेटर होगा और जिस साइड कम डिजिट है वो नंबर स्मॉलर होगा। ओके, जैसे इधर सिक्स डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इधर वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट है। ओके, तो जिस साइड में ज़्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर ग्रेटर होगा, जिस साइड में कम डिजिट हैं वो नंबर स्मॉलर होगा। ओके, फिर अगर हमारे पास सिचुएशन हो कि दोनों साइड में सेम नंबर्स हो, ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा है वो ग्रेटर नंबर होगा फर्स्ट नंबर, एंड जो स्मॉलर है वो छोटा होगा। ओके, अगर फर्स्ट नंबर सेम मैच हो रहा है, सेकंड भी सेम हो रहा है, थर्ड भी सेम हो रहा है, फोर्थ सेम हो रहा है, फिफ्थ भी सेम हो रहा है, मतलब जहां पर आपको लास्ट में जाके जहां भी आपके पास डिफरेंस आता है उस नंबर पर आपको ये चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा नंबर स्मॉलर है। ओके, फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर, ओके, एंड सेकंड होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ऑर्डर्स टू टाइप के होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड
डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम, असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर सबसे बड़ा लिखते हैं। दैट मीन्स हम असेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम ऑलवेज सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम ऑलवेज सीढ़ियों में नीचे आते हैं कि पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। ओके, तो वो कौन सा टर्म होता है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, कि पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। ओके, फिर उसके बाद आती है एक्सरसाइज। फिर हमारा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिक्शन। जो गिवन नंबर है अगर आप उसमें प्लस वन करते हो तो होगा सक्सेसर, और जो गिवन नंबर है उसमें अगर आप माइनस वन करते हो ओके तो वो होगा प्रेडिक्सर। ओके, सक्सेसर में जो गिवन नंबर है उसमें प्लस वन करते हो तो होगा सक्सेसर, और गिवन नंबर में अगर आप माइनस वन करते हो तो होगा प्रेडिक्सर। ओके, यहाँ कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारे पास फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर गिवन जो कुछ डिजिट्स हैं आपको, उनसे आप ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाओगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो गिवन नंबर्स हैं उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। ओके, और अगर कहीं आपके पास जीरो आ रहा है तो जीरो आपको कभी भी, अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हो तो आप जीरो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं राइट डाउन करोगे, वो सेकंड प्लेस पर लिखा जाता है। ओके, इस तरह से आप गिवन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर से आप बना सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, इसका क्या होता है कि जिस तरह से हमारे पास वंस थाउजेंड लैख जो टर्म था, ओके, पीरियड्स हमारे पास वो थे, इसमें लैख की प्लेस पर क्या होता है मिलियन, कि वंस टेन्स हंड्रेड, वन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, वन मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन। ओके, एंड इसी के बेसिस पर आप नंबर नेम राइट डाउन कर सकते हो इन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, कि वंस टेन्स हंड्रेड, फिर 1000, 10000, 100000, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, एंड देन बिलियंस की स्टार्ट हो जाती है, बट आपके यहाँ तक मिलियंस है। ओके, इस तरह से आप नंबर्स नंबर नेम्स राइट डाउन कर सकते हो, इनकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, फिर आता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स कैसे करोगे, आपके पास जो गिवन डिजिट है उसको आप या तो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे, नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करोगे, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करोगे। ओके, किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें 42 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, 42 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। अगर ये जो वंस प्लेस है अगर ये 5 से ग्रेटर होता है तो बिफोर वाले में करोगे, सॉरी स्मॉलर होता है तो बिफोर वाले में करोगे, और अगर 5 से ग्रेटर होता है तो नेक्स्ट वाले में आप इसे राइट डाउन करोगे। जैसे यहां 42 है, 2 आ रहा है वंस प्लेस, लेस देन 5 है। ओके, 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो इस 2 को आप 40 के पास लिखोगे, और अगर यहां 7 होता तो क्या करते, मोर देन 5 है, ओके, ग्रेटर देन 5 है, तो आप इसको 50 के पास राइट डाउन करते हैं। ओके, इस तरह से हम नियरेस्ट 10 में वंस प्लेस लेते हैं, नियरेस्ट 100 में नियरेस्ट 100 में हम थाउजेंड्स प्लेस ले, 100 प्लेस लेते हैं, नियरेस्ट 10 में वंस प्लेस ली जाती है, नियरेस्ट 100 में टेंस प्लेस ली जाती है, एंड नियरेस्ट 1000 में 100 प्लेस ली जाती है। ओके, फिर आते हैं रोमन नंबर्स। ओके, फिर क्या आते हैं रोमन नंबर्स। 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को M, ये बेसिक यूनिट्स हैं जो कि आपको लर्न करनी है। अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। ओके, फिर इनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताया हुआ है, कि आप पहले इनको न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर लो,
ओके, न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इनको ऐड कर दो. ओके, इस तरह से हम इनका एडिशन कर सकते हैं एंड हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है. सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू आवर चैप्टर फर्स्ट, ओके, यू कैन आस्क टू मी. ओके, सो बाय.